हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड। तो आज आप मेरे बाल देखोगे ना, थोड़ा तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। और आपको पता ही है कि अब दिल्ली में विंटर्स हैं, तो शैम्पू वैम्पू ज़्यादा आप लोग करते हो, प्लस पॉल्यूशन इतना है और ऑयलिंग आजकल हम इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते, बाल ड्राई हो जाते हैं। तो उसको ये जो कंडीशनिंग है बालों की, ये कैसे होगी? तो अगर आप बालों को अच्छे से कंडीशन करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, और आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बालों को कंडीशन कर सकते हो, और बाल जो आपके लिए ड्राई और रूखे सूखे लग रहे हैं, ये कैसे आपके जितना पूरे नॉरिश्ड लगेंगे, जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लगते हैं। तो घर पे एक तरीका है बताऊंगा, पूरी वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है आज। तो पहले क्या करना है आपको, आपको अपने बालों को शैम्पू करना है। तो मैं ये वाला जो शैम्पू है वो यूज़ करूँगा, पतंजलि का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आप देखोगे तो बाल मैंने अपने शैम्पू कर लिए हैं, दीज आर टॉवल ड्राइड है। तो अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली हेयर स्पा करने वाले हैं। ये जो है अपना जुगाड़ स्टीमर जो है वो तैयार है, क्योंकि आप सब लोग पूछते हो कि यार ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मत बताओ, बजट फ्रेंड चीज़ें बताओ। तो आप जाते हो सलून वगैरह, हेयर स्पा कराते हो, तो लगभग आपका 700-800 रुपये का स्पा होता है मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन घर पर यही आपका आ जाएगा जो आपका काफ़ी दिन चलेगा, और ये काफ़ी अच्छा हेयर स्पा है। और स्कॉटकॉफ कंपनी जो है काफ़ी अच्छे हाइड्रेटिंग क्रीम मास्क बनाती है, आप इसे हेयर स्पा के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो देखो स्टीम निकलने वाली है, और सिंपली कुछ नहीं करना आपको, इसको खोलना है, और मेरा हेयर स्पा ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ है, इतना लेना है। तो कभी भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो तो वर्क डेस्क को कभी यूज मत करो, नहीं तो चीजें खराब हो सकती है। तो ये आ गया है रैपर, और इसको आपको लगाना है अपने सिर पर इस तरीके से। तो हमने सोचा कि स्पा के साथ में D10 भी कर ही लेते हैं, तो D10 भी आप लगा सकते हो। तो D10 भी लगा लिया है, अपना हेयर स्पा भी कर लिया है ऑलमोस्ट, जो फाइनल लुक होगा वो आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको फनी लग रहा हूँगा, लेकिन जो लुक आएगा तब आप मुझे कहोगे कि आप अच्छे लग रहे हो, और आप फेस को भी अपने स्पा दे सकते हो, यू नो पोर्स खुल जाएंगे D10 का जो असर है, और फिर ऐसे मसाज करो, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। हेयर स्पा इस तरीके से करो, और पीछे की साइड भी आप कर सकते हो, दिख रहा होगा आपको। हाँ, विंटर में ये मजा अलग है, और इस तरीके से इसको आपको करना है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद शार लेना है, वॉश करना है अच्छे से बालों को, शैम्पू नहीं करना है, लेकिन क्योंकि शैम्पू आपने कर लिया है। अब मैं स्टीम ले चुका हूँ, और जब आप स्टीम ले लोगे तो उसको निकाल दो। पहले तो फेस को कर लो, ये तो पूरा हो चुका ड्राई, बालों को ही थोड़ा यू नो मसाज दे लो। और एब्जॉर्ब हो चुका है अच्छे से बालों में हेयर स्पा। तो गाइस अगर आप देखोगे अब जो लुक है आपको काफ़ी बेटर लग रहा होगा, बाल जो हैं उनमें भी मॉइस्चर दिख रहा है। पहले बाल काफ़ी ड्राई ड्राई लग रहे थे, लेकिन अब बाल बिल्कुल ठीक हैं, और D10 का भी आप फ़र्क देख रहे होगे। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत बेकार जाती है। हो सकता है सलून वाला इतना जैसे 100% रिजल्ट ना आए, लेकिन 95 है, लेकिन आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो यही था कि मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि आपको वीडियो से वैल्यू मिले। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये दोनों प्रोडक्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, तो इसका एफिलिएट लिंक मैं लगा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हो। तो अगर आप फिटनेस वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा जो चैनल है फिट डैड, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर डेली व्लॉग्स प्लस फिटनेस वाली वीडियोज़ वहीं आ रही हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश, स्टे ग्रूम्ड।